तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वक्त बात करेंगे कल का, आज का एक मैच, कल नहीं आज का रहेगा, तो एक लेजेंड लीग होगा, लेजेंड लीग क्रिकेट मैच होगा। तो वो मैच में बारे में थोड़ा कवर करने जा रहा हूँ। तो यह मैच लोग कौन कौन सा है, एशियन लाइंस वर्सेस वाइल्ड जायंट्स के बीच में मैच खेला जाएगा। आज शाम को 8 बजे मैच चलेगा। तो अभी के लिए वीडियो बनाओ, ओके, आपको थोड़ा हेल्प होगा एनालाइज करने के लिए, आप टीम बना के अच्छा खासा अमाउंट विन कर सके। तो काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है यहाँ पे। हाँ पे मैं अमाउंट भी बहुत ज़्यादा विन किया मैं इस मैच में, तो एक बहुत बढ़िया लीग हो सकता है आपको विनिंग के लिए। तो इसकी वजह से आपको मैं ट्राई करना आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। इसमें अभी आपको फ्री एंट्री मिल रहा है, यहाँ पे देख लो, अब तो यहाँ पे 20 टीम ला के आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो, और उसी विनिंग अमाउंट पर बोनस लीग यहाँ पे 100% बोनस लीग है, उसको ज्वाइन करके यहाँ पे रियल कैश आसानी से आप रियल कैश कमा सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जरूर है, ट्राई कर लो। तो चलो मैं पहले तो कुछ दोनों प्लेयर के स्टैट देख लें, प्लेयर के स्टैट देखने बाद दोनों पिछले मैच के परफॉर्मेंस, और लास्ट मेरा फाइनल टीम आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलो मैं शुरू करते पहले देख लेते कुछ दोनों प्लेयर के स्टैट्स को। तो दोस्तों, लीजेंड्स लीग T20 का थर्ड मैच के अंदर आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे देखिए, एशियन लायंस और वर्ल्ड जायंट्स के बीच ये मैच होने वाला है कल शाम को 8 बजे। तो दोस्तों देखिए, लीजेंड्स लीग के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जीएल के अंदर क्लीन स्वीप तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए जब एक रैंक आएगा तभी हम कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसलिए हमने बिल्कुल आपको ये कह सकते हैं कि लीजेंड्स लीग के अंदर हमारे टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, स्पेशली ग्रैंड लीग के अंदर। तो इसलिए अगर आपको भी ग्रैंड लीग विन करना है तो आप अभी हमारे वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि देखिए वीडियो के अंदर ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे रहते हैं, बहुत कुछ प्लेयर्स के बारे में हमने ऐसा कहते हैं कि जो आपको जील के टीम्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टाइमिंग सेम है, सुबह सॉरी यहाँ पर कल रात को 8 बजे मैच होगा, सेमी वेन्यू रहने वाला है वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा कतर में। तो ये लीग जो है ये कतर में ही चल रहा है और यहाँ का वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। और पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, आपको ये कह सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली होगा, साथ में दोस्तों पेसर्स को यहाँ पे विकेट्स मिल रहा है, स्पेशली जिन्होंने डेथ में डालते हैं। तो ऐसा ही कौन कौन से प्लेयर डेथ में डाल सकता है ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे तक वीडियो देखिए। तो आप यहाँ पर कोशिश करना कि सिर्फ ओपनर्स को ना लेने का, क्योंकि दोस्तों सिर्फ जो दो ओपनर्स होते हैं एक एक टीम का, वो कभी भी दोनों साथ में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जितना हमने लास्ट दो मैचेस में देखा। तो ऐसा हो सकता है कि इस मैच के अंदर दोनों ओपनर अच्छे कर जाए, लेकिन दोनों ओपनर को आप बिल्कुल एक साथ टीम में मत रखिए। ये छोटी सी टिप्स आपके लिए है। एवरेज स्कोर यहाँ का बन रहा है 160 तक, जो कि अपने आप में ठीक ठाक ही है। देखिए लीजेंड्स का मैच है, थोड़ा सा बाउंड्रीज यहाँ पर छोटी हो सकते हैं, जितना हमने देखा स्क्वायर के बाउंड्रीज लगभग 65 मीटर्स के आसपास है और स्टेट बाउंड्री 70 मीटर के आसपास रहने वाला है। तो मीडियम साइज यहाँ पर बाउंड्री से, उतना बड़ा भी नहीं है उतना छोटा भी नहीं है। और आज के मैच परीक्षण के बारे में बात करें तो एशियन लायंस 40% विनिंग चांसेस, वर्ल्ड जायंट्स 60% विनिंग चांसेस। तो दोस्तों दोनों ही टीम अपने अपने लास्ट मैच जीत कर आ रहा है, तो इसलिए देखिए दोनों ही ये मैच को भी जीतना चाहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वर्ल्ड जायंट्स थोड़ा सा अगर रहेगा, क्योंकि इनके पास प्लेयर बहुत ही अच्छे तरीके से है जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी देखिए आपको बताने वाला हूँ दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग साइज, साथ में एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर और उसी के साथ प्लेयर्स का ए टू जेड स्टैट्स, जिन्होंने सब्स्टिट्यूट थे उनका भी स्टैट्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एशियन लायंस के बारे में। इन्होंने जो लास्ट मैच खेले थे, उपुल थरंगा ने ओपनिंग की थी TM दिलशन के साथ, तिलक रत्न दिलशन के साथ। थरंगा ने देखिए एक इंपॉर्टेंट पारी खेली 40 रन की, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि दोनों ओपनर साथ में अच्छा नहीं करते हैं, दिलशन ने लास्ट मैच में 5 रन बनाए लेकिन बॉलिंग करके 1 विकेट निकाले। तो ये एक खास बात है कि आपको अगर ऑलराउंडर्स मिल जाए ओपनिंग में तो आप उनको ले लेना, क्योंकि अगर 4 ओवर पूरे बॉलिंग डाल रहे तो ये है कि उनको 1-2 विकेट तो मिल सकता है। इसलिए आपको दो ओपनर अगर ऐसे मिले कि एक ऑलराउंडर है या फिर दोनों ऑलराउंडर है, तभी आप दोनों को साथ में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रॉप करें तो अच्छा रहेगा। देखिए दिलशन इस मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बैटिंग में मेरे हिसाब से ये तो अच्छा करेगा ही करेगा इस मैच के लिए, और साथ में बॉलिंग में भी 1-2 विकेट अगर निकाल ले तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, स्पेशली ग्रैंड लीग पर। तो इसको बहुत सारे लोगों ने कप्तान बनाने वाला है, ये भी आप मतलब ध्यान के अंदर रखिए। तो दोस्तों नंबर 3 की बात करें, असगर अफगान अफगानिस्तान के प्लेयर है, 1 रन बनाए लास्ट मैच पर, और सबसे जो है नंबर 4 पे बैटिंग करके मिसबा उल हक ने अपने टीम के लिए एक विनिंग पारी खेल कर गए 73 रन की। तो दोस्तों ये प्लेयर जो है
एज बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि जो स्पिनर्स है उनको टारगेट कर रहा है और बहुत लंबे लंबे हिट मार रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप चाहो तो इनको ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो आपके टीम के अंदर, स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए दोनों में ही। शाहिद अफरीदी की बात करें, देखिए बैटिंग में उतना इम्पैक्ट नहीं रख पाए, 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग में भी देखिए 4 बार बॉलिंग करे, थोड़ा सा 6 के आसपास इकोनॉमी लेके बॉलिंग कर रहे थे। तो इनको क्या है कि जो ओपोनेंट का बैटर्स थे, इंडियन महाराजस की टीम थे शायद, उन्होंने डिफेंड करके ही खेल लिया, तो ज़्यादा इनको रिस्क नहीं उठाया इनके सामने। अगर रिस्क उठाते तो विकेट्स भी मिल सकते थे, तो टीम का कप्तानी इन्होंने कर रहा है। तीसरा पेरेरा 5 रन बैटिंग में और बॉलिंग के साथ यहाँ पर देखिए 1 विकेट निकाले। नंबर 6 पे बैटिंग करी थी और यहाँ पर देखिए हमने डी लिख के रखा है। डी का मतलब क्या कि इन्होंने डेथ में डाल सकते हैं, 17, 18, 19, 20 ओवर के अंदर ये जरूर डाल सकते हैं, जहाँ पे इनको विकेट मिलने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब्दुल रज्जाक की बात करें दोस्तों, 6 रन 7 में 1 विकेट निकाले, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन क्या है कि लास्ट मैच जब हमने ऑब्जर्व कर रहे थे, वहाँ पे देखा कि अब्दुल रज्जाक जिन्होंने उनकी जो हैमस्ट्रिंग है वहाँ पर थोड़ा सा स्टिफनेस आ गए थे, या फिर ऐसा कुछ थे इनको मतलब बाहर लेकर गए, तो इसकी जगह फील्डिंग करने आए थे एक और प्लेयर परास खतका। देखिए लास्ट मैच पर इनको शो कर रहे थे 1 डाउन, लेकिन बैटिंग में भेजे नंबर 8 पे, 3 रन बना पाए सिर्फ। और उसके बाद है इसरू दाना जिनको बैटिंग नहीं मिली थी, बॉलिंग में डेथ में आए और पावर प्ले में भी 1 ओवर डालकर गए थे, 1 विकेट निकाले। अब्दुल रज्जाक बांग्लादेश की लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लास्ट मैच पर इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। सोहेल तरमीर नंबर 11 पर आने वाला है, 3 विकेट निकाले लास्ट मैच पे और इन्होंने भी डेथ में डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर सोहेल तरमीर को भी 7, 8, 9 नंबर पर भेजा जाए तो ये वहाँ पर भी अच्छा बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी अच्छे खासे हीटिंग एबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्लेयर डेथ में डाल सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। अभी बात करेंगे एशियन लायंस की तरफ से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट चॉइस में आएगा इस मैच के लिए, आपको प्लेयर टू ऑब्जर्व या फिर प्लेयर्स टू पिक कौन कौन से प्लेयर्स को करना चाहिए। सबसे पहले दिलशान है, थरंगा है, मिसबा उलक स्मॉली के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। तीसरा फेरेरा को ग्रैंड लीग के अंदर आप ट्राई करिए। इसी उदाहरण सोहेल तनवीर, ये जो 5-6 प्लेयर्स हैं इनको आप ऑब्वियसली आपके टीम के अंदर ट्राई करिए। अब्दुल रजाक अगर खेले तो 2 से लेकर 3 ओवर मास्ट भी डालेगा, तो आप चाहो तो ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए उतना सेफ चॉइस मुझे नहीं लग रहा है। और बात करें यहाँ पर वर्ल्ड जायंट्स की, इनकी टीम तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, इनके पास बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स है। देखिए एरन फिंच कप्तान है, ओपनिंग कर सकते हैं क्रिस गेल के साथ, जिन्होंने लास्ट मैच पर बैटिंग में बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिंच ने यहाँ पर लास्ट मैच पर 53 रन बनाए, जो कि एक कप्तान के लिए अच्छी नोक आप कह सकते हो। और क्रिस गेल ने बॉलिंग भी करी थी लेकिन 1 ओवर वहाँ पर विकेट लेस गए। तो यहाँ पे देखिए क्रिस गेल को ट्राई करना या नहीं करना वो आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जीएल के लिए अच्छे चॉइस बनेगा, क्योंकि इनकी अगर बल्ले पे गेंद लगे तो ये मिनिमम 60 से लेकर 70 रन बना जाएगा, अगर नहीं लगे तो ऐसा ही 4-5 रन के अंदर पावर प्ले के अंदर ही आउट होकर चले जाएंगे। तो ये हीटर मिस्टर के प्लेयर हो गए हैं बिल्कुल अभी तक, मतलब अभी के लिए। शेन वाटसन इंपॉर्टेंट प्लेयर, नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे और 55 रन लास्ट मैच पर बनाए, तो इस मैच के लिए एक अच्छा खासा कप्तान की चॉइस ये भी रहने वाला है, एलोंग विथ किसके साथ, टीएम विल्सन के साथ। जैक्स कालिस 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे दोस्तों, लेजेंडरी ऑलराउंडर रहा, 8 रन बैटिंग से लेकिन इनको बॉलिंग नहीं मिले। रॉस टेलर देखिए 1 रन बनाए बैटिंग से, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन्होंने तो हाल ही के अंदर दिसंबर महीने में वहाँ पर जो सुपर स्मैश T20 होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर वहाँ पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिया था, लगभग 25 से लेकर 30 तक एवरेज लेके खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए, 1 रन बनाकर आउट होकर गए। केविन ओब्रायन 4 रन के साथ विकेटलेस, ये भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट सीजन केविन ओब्रायन ने ओपनिंग करी थी, लेकिन इस बार देखिए इनको बिल्कुल नीचे भेजा जा रहा है ओपनिंग पर, जैसे कि एरन फिंच, क्रिस गेल, शेन वाटसन जैसे प्लेयर्स हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल नीचे भेजा जा रहा है, तो इनकी इम्पैक्ट बहुत ही कम हो गए हैं और परफॉर्मेंस देने का चांसेस भी कम होगा, क्योंकि बॉलिंग में भी 1 से लेकर 2 ओवर ही मिल रहा है इनको। तो अब थोड़ा सा इनको अवॉइड कर लेना इस मैच के लिए। मॉनी वैन नुइक 1 रन बैटिंग से, तो मेरे हिसाब से इसके जगह आप ऑब्वियसली उपुल थरंगा को ले लीजिए एज ए विकेट कीपर, क्योंकि वो आ रहा है कहाँ पर, ओपनिंग पे और अच्छे टच पर भी है। टीनो बेस्ट देखिए डेथ में डाल रहे थे लास्ट मैच पे, 1 विकेट भी उनको मिली, 13 रन बैटिंग से बनाए और बहुत ही अच्छे प्लेयर है। क्रिस एम्पाफू देखिए 8 रन बैटिंग से और 1 विकेट बॉलिंग से निकाले, डेथ में बॉलिंग कर रहे थे लेकिन बात क्या है कि डेथ में इनको विकेट्स नहीं मिले। पहला जब पावर प्ले में बॉलिंग डाली थी वहाँ पर अच्छे खासे रन्स पड़ गए थे इनकी ओवर में, लेकिन सामने रविन उथप्पा और गौतम गंभीर थे, अच्छे खासे रन्स पड़ी पहला ओवर के अंदर, कुछ 13-15 या फिर इसके आसपास कुछ रन्स खाए थे,
बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी लेके बॉलिंग कर रहे थे, तो क्रिस एम्पावु को आप ट्राई कर सकते हो एज ए डेथ बॉलर। नंबर 10 की बात करें मोंटी पाने सर, देखिए मेरे तो मतलब बहुत फेवरेट है ये। रन्स नहीं बनाए बैटिंग से और विकेट्स भी नहीं निकाल पाए, लेकिन अगर ये एक बार विकेट निकालना स्टार्ट करें तो 3 से लेकर 4 विकेट ऑब्वियसली निकालेंगे। लास्ट मैच पर तो इनको टीम ने मतलब दूसरी टीम ने खेला ही नहीं, 4 ओवर के अंदर कुछ 20 के आसपास रन्स देकर गए, लगभग 5 के आसपास इकोनॉमी लेके बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है। ब्रेडली डेथ में डालेंगे, 1 विकेट निकाले लास्ट मैच पर डेथ में जब बॉलिंग कर रहे थे। और रिकार्डो पावेल दोस्तों सब्स्टिट्यूट थे, 2 विकेट निकाले लास्ट मैच पर बॉलिंग करने आए थे, तो किसके जगह आए थे यहाँ पर दोस्तों देखिए सेन वाटसन की जगह इन्होंने एज ए सब्स्टिट्यूट आ गए थे। तो शायद यहाँ पर कप्तानी तो फिंची कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकार्डो पावेल को आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं रहे तो आप ऑब्वियसली इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनकी बॉल में थोड़ा सा वेरियंसेस है, इन्होंने कभी भी स्लोअर डालते हैं, कभी भी ऑफ कटर कर देते हैं, लेकिन एक्शन इनका जो है ऑफ ब्रेक बॉलर्स के जैसा ही है। अभी देखिए वर्ल्ड जेंट्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स को आपको ट्राई करना चाहिए, फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, फिर से नहीं मतलब अभी के ही दिखाऊंगा। एरन फिंच, सेन वाटसन, उसके साथ टीनो बेस्ट, क्रिस एम्पावु, मोंटी पानेसर, ब्रेडली, 4 हो गए हैं यहाँ पर, 2 हो गए 6। बाकी देखिए रिकार्डो पावेल अगर सब्स्टिट्यूट नहीं रहे तो आप इनको ट्राई करिए, ठीक ठाक चॉइस रहेगा। और अभी बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की। सेन वाटसन, विल्सन, एरन फिंच, उपुल तरंगा, मिसबाह उलहक। मिसबाह उलहक क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, UL होता UP वो हो गए है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थोड़ा सा समझ लेना, ऐसा होता ही रहता है, आपको अभी ठीक करके देता हूँ। तो ये 5 जो प्लेयर्स हैं इनको आप स्मॉल लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन की जगह पर ट्राई कर सकते हैं। और ग्रैंड लीग की चॉइसेस की बात करें थोड़ा सा, असगर अफगान वन डाउन खेल रहे थे, अगर इनकी बल्ले पे गेंद लगी तो ये भी देखिए क्रिस गेल जैसे हो जाएंगे, हिटिंग करेंगे तो हिटिंग करते ही रहेंगे। सोहेल तनवीर लास्ट मैच पर 3 विकेट निकाले, हमारा जो ग्रैंड लीग में 150-120 के आसपास रैंक आए थे तो इनकी वजह से ही आए थे, इन्होंने हमारे टीम का वाइस कप्तान भी थे। आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा कि पहला जब इनके मैच हुए थे एशियन लायंस का तो उस मैच पर हमारा ग्रैंड लीग रिजल्ट कैसा था, सेकेंड मैच पर उतना अच्छा नहीं रहे हाँ ठीक है, लेकिन पहला मैच का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर। देखिए क्रिस एम्पावु है, तीसरा परेरा है, क्रिस गेल है, तो ये 5 प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग के अंदर ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं रोटेशन। तो अगर आप देख लो मैं अल्टी एक टीम आ चुका तो मैं इसको ना एडिट करके दिखा दूँगा आपके सामने, एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी इस टाइम, पहले मैं 4 मैच के साथ जाऊँगा। मैं पहले आप लूँगा एरन फिंच को जो कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, पिछले मैच जो फ्लॉप हो गया था उससे 5 रन बना के, उससे पहले 53 रन बनाया गया था, उससे पहले 10 रन, उससे पहले 63 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, अच्छा बैटिंग करके आ सकता है, इसलिए इनको लिया हूँ मैं। नेक्स्ट आया पिक किया मैं क्रिस गेल को जो कि पिछले मैच में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आया था, पिछले मैच आई थिंक 57 रन की पारी खेल गया था पिछले मैच में, और उससे पहले फ्लॉप होता सिर्फ 4 रन बना गया, उससे पहले 5 रन बनाया गया था, और एक मैच 68 रन बनाया गया था। तो प्लेयर अच्छा है, मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है। और नेक्स्ट टाइम पिक किया मैं मिसबाह उलहक को जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, 0 पर आउट गए थे, उससे पहले 73 रन बनाए गए थे, उससे पहले फिर से फ्लॉप, उससे पहले फिर से फ्लॉप हुए थे। तो एक रिस्की पिक बोल सकता हूँ मैं, आप ट्राई कर सकते हो वरना आप इनको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम पिक करो ऐसे ही मामला को जगह ओपनिंग करना थे, पिछले मैच 6 रन बनाए गए थे, तो ये भी अच्छे बारी के आ सकते हैं, इसके वजह मैं ऐसे मामले के साथ जाऊँगा। विकेट कीपर में उपल तरंग के साथ जाऊँगा जो कि ओपनिंग कर रहा है, प्लस विकेट कीपिंग करेगा, दोनों पॉइंट देगा। पिछले मैच 69 रन बनाया गया था, उससे पहले 40 रन, उससे पहले 9 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, बैटिंग बहुत बड़ा कर गया था, और विकेट भी रहेगा तो वहाँ पर आपको पॉइंट लेके आ सकता है। ऑल आउट पे 2 ऑलआउटों के साथ जाऊँगा मैं, पहले आप लूँगा शेन वाटसन को जो कि पिछले मैच में 26 रन बनाया गया था, उससे पहले 54 रन, उससे पहले 27 रन बनाया गया था। तो लास्ट 4 मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, तो इसी वजह से मैं शेन वाटसन के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा दिलशान को जो कि पिछले मैच 32 रन बनाया गया था, उससे पहले 5 रन 1 विकेट, और उससे पहले 36 रन। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है इसलिए इनको इनके साथ जाऊँगा मैं। बॉलिंग में 4 बॉलर के साथ जाऊँगा मैं, पहले आप लूँगा ब्रेडली को जो कि पिछले मैच 3 विकेट ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले 11 रन डॉट बॉल किया था। प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बॉल बन सकता है, इसलिए इनको साथ जाऊँगा मैं। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा सोनील तनवीर को जो कि ये भी बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच फ्लॉप हुए थे, उससे पहले 3 विकेट ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले 40 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, एक अच्छे बॉलिंग करके आपको विकेट ले जा सकता है। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा मैं टीनो बेस को जो कि पिछले मैच 3 विकेट ले गया था, सॉरी 2 विकेट ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले फ्लॉप हुआ था। बेस्ट एक असली अच्छा बॉलर है। लास्ट टाइम पिक करूँगा मोहम्मद आमिर को जो कि पिछले मैच फ्लॉप हुआ था, पर उससे पहले मैच देख लो 1 विकेट ले गया था PSL में, उससे पहले 4 विकेट। तो अभी के लिए यहाँ पे 8 सेम टीम जाऊँगा मैं। कैप्टन वाइस कैप्टन बार को यहाँ पर मेरा कैप्टन रहेगा एरन फिंच को, मैं कैप्टन बनाना चाहूँगा,
और वाइस कैप्टन बनाऊंगा मैं तिलक रत्न दिलशान को। तो गाइस ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी और आप फ्री एंट्री जरूर ज्वाइन करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।